हेलो साथियों, नमस्कार। बीएनजे ब्लॉग्स पर आपका स्वागत है। जिलों से आरक्षण रोस्टर, मुख्य समाचार आज के। जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर, शिक्षा विभाग रिक्ति बीपीएससी को देगा। 70,000 शिक्षकों की रिक्ति, इसी सप्ताह 15 दिन में आएगी वैकेंसी। बीएड डिग्री धारकों को शीर्ष कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला, बिहार सरकार ने कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का नहीं हो रहा मिलान, होगी कार्रवाई। छात्रों ने बीपीएससी गेट पर किया प्रदर्शन। 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना शीघ्र। बीएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं। 8 शिक्षा पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी। शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े पदाधिकारियों की संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश। 500 छात्रों से डोनेशन लेकर बीएड की डिग्री देने से जुड़ा है मामला। सरकारी स्कूलों से 5,40,000 बच्चों के नाम काटे गए। चौथी कक्षा के सर्वाधिक 74,394 छात्रों के नाम कटे, इनमें दोहरे नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक रही। 8 पदाधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हुआ कुर्की जब्ती का आदेश। बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना का लाभ तत्काल दिलाएं, मुख्यमंत्री का आदेश। 40% स्कूलों ने ही अपलोड किया डाटा, टीचर्स ऑफ बिहार ने वीडियो बनाकर भेजा। ई शिक्षा कोष पर प्राचार्य सुशील शनिवार का डाटा अपलोड कर पाए, इसके लिए टीचर्स ऑफ बिहार ने एक वीडियो बनाकर सभी स्कूल प्राचार्य को भेजा है। इसमें ई शिक्षा कोष में सुरक्षित शनिवार को अपलोड करने का तरीका बताया गया है। साथ में बताया गया है कि अगले शनिवार 14 अक्टूबर से हर शनिवार को हर स्कूल को जुड़ना अनिवार्य है। पंचायतों में बिना निविदा काम नहीं करा पाएंगे मुखिया। बीएड धारकों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला, बिहार सरकार ने कोर्ट से याचिका वापस ली। 9वीं से 12वीं तक के 45% विद्यार्थी मानसिक तनाव में 9वीं से 12वीं तक के 45% छात्र-छात्राएं मानसिक तनाव में है। बीएड डिग्री धारकों को ऐसी से राहत नहीं मिली। बालिका स्नातक प्रोत्साहन का लाभ दिलाएं, सीएम ने कहा। स्कूलों में लगेगी कंप्यूटर क्लास, 28 स्कूलों में आईसीटी लैब होगा। 2 सरकारी कर्मियों ने ही भेजी थी आंसर की। 3 आरोपितों की हुई पहचान, 2 नालंदा और 1 दरभंगा का। दर्जन भर से अधिक नंबर को खंगाल रही पुलिस। सरकार ने 28 सितंबर को दाखिल की थी विशेष याचिका। रोस्टर पूरा कर जिलों ने भेजे शिशुओं के विषयवार पद। 20 तक शिशुओं का विवरण लोड नहीं तो नपेंगे। शिक्षकों का विवरण शिक्षक डायरेक्टरी में अपलोड नहीं करने वाले स्कूल के ऊपर कार्रवाई होगी। माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत जिन शिक्षकों ने अब तक ऑनलाइन विवरण अपलोड नहीं किया है, उनकी सूची बिहार बोर्ड संबंधित शिक्षकों की सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजेगा। बोर्ड ने माध्यमिक के तमाम शिक्षकों को सूचना दी है। ऑनलाइन लोड करने के लिए 20 अक्टूबर अंतिम तिथि है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया। 7 नवम्बर से मतदान होगा। 5 राज्यों में सत्ता संग्राम की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश 17 नवंबर होगा, कुल सीटें 230। राजस्थान 23 नवंबर होगा, कुल सीटें 200। छत्तीसगढ़ 7 और 17 नवंबर को होगा, 90 कुल सीटें। मिजोरम 7 नवंबर को होगी, 40 सीटें हैं कुल। तेलंगाना 30 नवंबर को होगी, 119 सीटें हैं कुल। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2 चरण में होंगे और दिसंबर में इसकी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय छात्रों से लेकर बड़े दलों की साख दांव पर है। नालंदा के 3 और गया का 1 जवान फर्जीवाड़े में शामिल। 1 अक्टूबर परीक्षा से पहले ही आ गया था प्रश्न पत्र उत्तर। अंधेरे कमरे में मोबाइल की टॉर्च के सहारे DSM कॉलेज में हुई आंतरिक परीक्षा। तो ये कुछ मुख्य समाचार आज के रहे। यदि जानकारी यूजफुल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। ये चुनाव कराने के लिए पिछले 6 महीने से तैयारी की जा रही थी। युवा, महिलाएं और शहरी मतदाता मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। राजीव कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुफ्त की घोषणाएं, लोक लुभावनवादों का तर्का। तीन दिसंबर को सभी राज्यों के वोटिंग का नतीजा आ जाएगा। तो यही था आज के मुख्य समाचार। धन्यवाद।